नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बैम्बू कैसे ड्राई करते हैं वो दिखाऊंगा। वैसे ड्राइंग बहुत सारा प्रोसेस है, फिर भी मैं उसमें से जो बहुत पॉपुलर प्रोसेस है आग से सुखाना, so I'm trying to show you how to dry bamboo using heat. So first of all, you just have to hold these knots. So I have already cut it, and इधर नहीं किया हुआ है, so making hole. हो गया। So little bigger, थोड़ा सा बड़ा करने के लिए इसको भी रखा हूँ, ओके। आप देख सकते हैं इसका कलर, ये मैच्योर बैम्बू है लेकिन ये ड्राई नहीं हुआ है। इसका 4 साल उम्र है इस बैम्बू का, सो धीरे धीरे इसको घुमाना है, मूव स्लोली। यूनिफॉर्म हीट के लिए आपको धीरे धीरे इसको घुमाना है। एक जगह आप अगर इसको रखोगे तो उधर जल जाएगा। देखिए इसका इधर पानी निकल रहा है, तो इसको भी आपको क्लीन करना है कपड़े से, ठीक है। देखिए सीधा चेंज इन कलर, देख रहे हो। मैं इसको बराबर घुमा रहा हूँ क्योंकि जो ताप है वो समान तरीके से चारों ओर फैला सकूं, बैलेंसिंग के लिए, तभी इसका ड्राइंग सही तरीके से हुआ। आप देख रहे हैं कलर का डिफरेंस, देखिए अगर मैं एक ही जगह पे ना
हाथ घुमा के विदाउट मूविंग आई प्लेस इट एनी पोजिशन देन दैट प्लेस वुड बी बर्न सो वहाँ जल जाएगा अगर मैं एक ही जगह इसको फायर में पकड़ के रखूँ देख लीजिए तो ज़्यादा देर आपको नहीं करना है देखिए अगर आपको थोड़ा सा बर्न बैम्बू चाहिए तो आप थोड़ा रुकना है सब इसका मूविंग आपको स्लो करना है अगर आपको कलर और डीप चाहिए तो इसको थोड़ा स्लो करना है ये करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए एक देखिए सिंपल सा स्टोव है बस आपको चाहिए ये रॉ बम्बू चाहिए इसी में आप कर पाओगे तो ये हीट से आप बेंट बम्बू को भी सीधा कर सकोगे वो भी मैं दिखाऊंगा आज नहीं हो पाएगा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो इस तरह आप बैम्बू को ड्राई कर सकोगे देखो देखिए कलर में चेंजेस देखिए तो आप अगर ऐसा कलर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा हीट ज़्यादा देना पड़ेगा आपको अगर ऐसा चाहिए तो आपको जैसा मैंने किया पहले थोड़ा थोड़ा स्लो ही मूविंग ठीक है तो जैसा आपको चाहिए आप वैसा इसको हीट करके ऐसा कलर ला सकते हो और ये प्रोसेस ये प्रक्रिया आपको करते जाना है जब तक आपका आपका डिजर्ट कलर ना आए तो आज के लिए इतना ही प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैम्बू के बारे में और जानने के लिए ये फ्लूट मेकिंग के लिए है स्पेशली देखिए आप इसका साइज़ देख सकते हैं देखिए करीब मेरा देर हाथ काफ़ी पतला है धन्यवाद